आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल क्विक और आसान तरीके से बनने वाले मैंगो शेक की रेसिपी, बिल्कुल परफेक्ट प्रेजेंटेशन के साथ। अभी बाजार में बहुत मीठे मीठे आम आए हुए हैं और गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। स्वागत है आपका मेरे किचन में, तो चलिए आज की रेसिपी देखते हैं। मैं यहाँ पर 4 आम ले रही हूँ, ये लगभग 500 ग्राम है और ये बिल्कुल अच्छे से पके हुए मीठे आम है। इसे मैं धो लूँगी और इसके ऊपर के पार्ट को इस तरह से काट लेंगे और फिर इसे पील करेंगे। आप चाहे तो इसे हाथों से भी इसका स्किन उतार सकते हैं, पर आम का ज़्यादा क्वांटिटी छिलके के साथ निकल जाएगी, इसलिए मैं इसे पीलर से ही पील करूँगी। ये देखिए आम बिल्कुल अच्छे से छिल चुका है। इसी तरह से बाकी बचे हुए सारे आम को भी हम छील लेंगे और उसके बाद हम इसे धो लेंगे अच्छे से। अब इसके हम स्लाइसेस निकालेंगे और इसे पतले पतले पीसेस में काटेंगे ताकि ग्राइंड करते समय इसके लम्ब्स ना बने और ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। ये देखिए अच्छे से कट चुका है। गुठली के पार्ट से भी हम आम अच्छे से इस तरह से निकाल लेंगे चाकू की सहायता से। ये देखिए आम कटकर तैयार है। अब इसे हम झटपट ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, वरना आम काला पड़ जाएगा, क्योंकि एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही आम का ऑक्सीडाइजेशन होने लगता है। अब इसमें लगभग 100 ग्राम चीनी डालेंगे और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसमें लगभग 4 से 5 चम्मच वैनिला फ्लेवर आइसक्रीम डालेंगे और कुछ आइस क्यूब डाल के एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए कितना थिक ग्राइंड हुआ है। अब हम इसे थोड़ा पतला करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर दूध का यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पर लगभग 300 ml दूध ले रही हूँ। अब इसमें दूध डालकर इसे अच्छे से एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनी है। ये अब मैंगो शेक को सर्व करते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 ग्लास लिया और दोनों में थोड़ा थोड़ा मैंगो शेक डाला है, लगभग हाफ। और अब हम इसमें कुछ आइस क्यूब डालेंगे और उसके बाद ग्लास को फुल करेंगे ताकि पूरे ग्लास का मैंगो शेक अच्छे से कूल हो सके, अच्छे से ठंडे हो सके। ये देखिए ग्लास फुल हो चुका है। अब हम इसके ऊपर वैनिला फ्लेवर आइसक्रीम डालेंगे प्रेजेंटेशन के लिए, जिससे इसका प्रेजेंटेशन और लुक बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें हम छोटे छोटे कटे हुए आम के टुकड़े डालेंगे। ये देखिए मैंने कितना छोटा छोटा एकदम काटा है। ये प्रेजेंटेशन आपके ऊपर, अगर आप इसे करना चाहे तो कर सकते हैं, पर इसके करने से मैंगो शेक का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है साथ में। मैं यहाँ पर कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट से टॉपिंग करूंगी, जिसके लिए मैंने काजू और पिस्ता का यूज किया। आप चाहे तो आप कोई अपने पसंद की ड्राई फ्रूट से टॉपिंग कर सकते हैं। ये देखिए मैंगो शेक विद परफेक्ट प्रेजेंटेशन बनकर तैयार है। इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और मेरे रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।